गाइस, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक में हम मीडिया लाइब्रेरी कैसे यूज़ करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में हम बल्क इमेजेस कैसे अपलोड कर सकते हैं एक बार में, एंड वो सारे ऑप्शंस हमें कहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट ओपन करना है। ओपन जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है अपना फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। देन आपको यहाँ पे आना है ऑल टूल्स में। ऑल टूल्स में आने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया लाइब्रेरी। ओके, आपको मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। जब आप मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो आपने अपने बिजनेस मैनेजर में जितने पेजेस बना रखे हैं या अकाउंट बना रखे हैं तो वो सारे विजिबल होंगे। जैसे मेरे सामने यहाँ पे 3 अकाउंट मैंने बना रखे हैं, तो मैं यहाँ किसी भी एक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे रूबेरी के अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मुझसे, ये अगर मेरा कोई ऑथेंटिकेशन कोड लगा होगा तो मांगेगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो नहीं मांगेगा। तो मेरे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड नहीं लगा हुआ है तो ये नहीं मांग रहा है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस मीडिया है, देन यहाँ पे फोल्डर, रीसेंट फोल्डर, एड अकाउंट मीडिया। ओके, अगर मैं एड अकाउंट मीडिया पे जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे आ जाएगा, जो भी अकाउंट है होगा। बट सॉरी, यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए मेरा अकाउंट यहाँ पे विजिबल नहीं है। यहाँ पे हम मीडिया अपलोड करते हैं। ओके, यहाँ पे बिजनेस मीडिया पे मैं क्लिक करना है आपको, एंड फोल्डर में आना है। फोल्डर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक जैसे एड एड एलिमेंट्स, क्रिएट फोल्डर, डिलीट फोल्डर सेटिंग। ये जो 3 ऑप्शन है ये तब विजिबल होंगे जब यहाँ पे हम कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे, या फिर अगर हम चाहे तो हम अपना रीसेंट अपलोड पिक जो मैंने की हुई है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो रीसेंट में मैंने यहाँ पे कुछ भी अपडेट या अपलोड नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम फोल्डर में चलते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हो जैसे मेरे और अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे एड राजवीर अकाउंट पे देख लेता हूँ जो मेरा है। शायद इसमें मेरे कुछ अगर इमेजेस होंगे तो यहाँ पे मैं आपको विजिबल करवा दूंगा। जैसे रिसेंट अपलोड पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक क्रिएट फोल्डर करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, एड्स इमेजेस। ओके, बिकॉज जो ये इमेज होने वाली है, ये जो फोल्डर होने वाला है वो एड से रिलेटेड होने वाला है। ओके, देन यहाँ पे मैं इमेज डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कर देता हूँ। ओके, अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, मैं अगर इसे सिलेक्ट करूँगा तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे इस पे डबल टैप करता हूँ, देन यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, एंड नेक्स्ट, डन। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा ऐड एलिमेंट्स का ऑप्शन है वो विजिबल हो गया है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऐड इमेज एंड वीडियो। आप चाहो तो इमेज है आपके पास तो इमेज, वीडियो है तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। ऐड मॉकअप, अगर आपके पास कुछ मॉकअप है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। जैसे वीर का अकाउंट है मेरे पास एक, तो वो उसमें हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इमेज एंड वीडियो के बारे में बात करेंगे। जैसे इंपोर्ट फ्रॉम ऐड अकाउंट मीडिया, लाइक जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, देन यहाँ पे अगर कुछ इमेजेस होगी वो भी एड ऑन कर सकते हो। जैसे मैं वीर में गया, वीर में यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास कुछ भी चीज़ें अपलोडेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ओके, मैं इसे कट करता हूँ एंड ऐड एलिमेंट्स में जाता हूँ, ऐड इमेजेस एंड वीडियोस में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मेरा कोई फोल्डर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड या ड्रैग करके अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ ऑन योर डिवाइस, लाइक यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ इमेजेस मैं ले लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस लिए हैं, एंड ओपन। यहाँ पे देख सकते हो 2 इमेजेस मेरे अपलोड होने वाले हैं, एंड ये जैसे ही अपलोड होंगे यहाँ पे इस फोल्डर में, जो यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना रखा है एड्स इमेजेस, उसमें ये विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब ऐड बनाते हो तब जाके वहाँ पे अपलोड करते हो,
या फिर और चीजें करते हो, तो आप उससे पहले एड्स बनाने से पहले भी अगर आप चाहो तो आप अपनी इमेजेस अपलोड करके रख सकते हो, ताकि जब आप एड बनाओ तो डायरेक्टली वो इमेजेस आपको उसी टाइम पे आपको अपने गैलरी में मिल जाए। जैसे डन मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे दो इमेजेस आ चुके हैं यहाँ पे। अगर मैं बैक जाता हूँ राजवीर पे, सो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फोल्डर है एड इमेजेस नाम से, यहाँ पे मेरे सामने दो इमेजेस दिख जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे सामने दो इमेजेस मिल गए। तो इस तरीके से आप फेसबुक एड्स अकाउंट में अपने लिए मीडिया लाइब्रेरी में जाके आप अपने इमेजेस या अपने फोल्डर्स क्रिएट करके आप अपने इमेजेस सेव करके यहाँ पे रख सकते हो, एंड बाद में चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप मीडिया लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज कर सकते हो, अपने एड्स के लिए, अपने पोस्ट के लिए, उस चीज के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।